खरगोन जिले के बड़वाहा में सोमवार सुबह बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 56 गौवंश से भरे कंटेनर को पकड़ा, जिसमें एक गौवंश की मौत हो गई, वहीं एक गौवंश घायल अवस्था में पाया गया। इस मामले में बजरंग दल सदस्यों ने बताया, सोमवार सुबह इंदौर से खंडवा की ओर जा रहा एक कंटेनर वाहन इंदौर इच्छापुर हाईवे से गुजर रहा था। इस दौरान उस वाहन से हमें कुछ आवाज सुनाई दी, जिसके आधार पर हमें वाहन में गौवंश होने की शंका हुई, जिसके कारण हमारे द्वारा कंटेनर वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन को रोकने के दौरान उसमें बैठे लोगों ने वाहन को न रोकते हुए हम पर पत्थर से वार किए, जिसके बाद हमारे द्वारा उक्त वाहन को बड़वा स्थित मुख्यालय बाजार में रोक लिया गया, जिसकी तलाश लेने पर उक्त कंटेनर में 56 गौवंश भरे होना पाए गए, जिन्हें वाहन के अंदर दो पार्टीशन में रखकर ले जाया जा रहा था। बता दें, वाहन रोकने के बाद सदस्यों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को इन गतिविधियों की सूचना देकर मौके पर बुलाया और वाहन को नर्मदा स्थित कल्याणी माई आश्रम पर बनी गौशाला में समस्त गौवंश को उतारा गया, जहां पशु चिकित्सक को बुलाकर घायल गौवंश का उपचार करवाया गया। बड़वा पुलिस ने इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। बता दें, इस तरह का एक मामला विगत सालों पहले भी बड़वा क्षेत्र में हुआ था, तब भी कंटेनर वाहन में दो पार्टीशन में करीब 60 से अधिक गौवंश भरे होना पाए गए थे। अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट। सर बताएं, आज एक पशु गोवंश से एक ट्राला पकड़ा गया है, क्या है मामला सर? एक्चुअली जो इंदौर से खंडवा रोड है, इस पर सूचना थी कि एक ऐसी गाड़ी निकलने वाली है, तो सूचनाकर्ता और कुछ लोगों के सहयोग से उस ट्रक को वहां पर रोका गया, और रोक करके उसको जब चेक किया गया तो उसमें काफ़ी संख्या में कीड़े भरे हुए हैं। चूँकि वो उसमें बंद करके उनको ले जाया जा रहा था, निश्चित रूप से वो पशु क्रूरता के दायरे में भी आते हैं और गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के दायरे में भी आते हैं। हमने उनको सीधे गौशाला में पहुंचाया, जहां पर उनको खाली करवा रहे हैं और डॉक्टर को वहां भेज करके उनका मेडिकल मुलायजा कराया जा रहा है। हम उसमें शीघ्र कार्रवाई करने वाले हैं।